कोई देसी वेसी का ही रखो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम F16 में बैठे हैं। 17 बड़ी हो गई है ना, 17 हो गया। कौन सा तेरा गिराया था? अभिनंदन वाला इसने जोड़ के बना ये ना, जिसमें अभिनंदन को मारा था। अभिनंदन आया था, वही मैंने जोड़ के गाड़ी बना दी। आपको हमारी गाड़ी का टूर कराता हूँ और एंड में आप बोलेंगे फैंटास्टिक। वो देखिए GTA की तरह ना, रेस देखे दरवाजा खुल उतर जाता। सिंघम ये भी V5 इंजन है, इसमें 5 बंदों के अलावा छठा नहीं बैठ सकता। स्पेशियस कार है, बैठ सकता है, गोद में बिठाना पड़ता है। लग्जरियस कार है, फुली ऑटोमेटिक है। ये देखो सारे ये देखें गाइस, हवा से शीशा इधर हो गया। मुझे समझ नहीं आई ये हवा से इधर कैसे हो गए। तो ये था कराची का आखिरी व्लॉग, जो कि मेरे कज़न्स, खाला के बेटे और मेरे हम उम्र मामू, जिनका तारुफ मैं एक व्लॉग में करवा चुका हूँ। तो कराची की इन टूटी फूटी सड़कों के साथ मैं आज आपको विजिट करवाने वाला हूँ कराची की एक फेमस जगह ओमनी कार्ड, जहाँ पे जाके गाड़ियों की रेसिंग होती है और वहाँ जाके हम भी आपस में रेसिंग करने वाले थे, लेकिन हमें मिल गए रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाले, जिन्होंने हमारी गाड़ी रोकी, अपना फ़ाइन काटा और यहाँ से हमें आगे जाने की इजाज़त दी। और इस बारे में आप लोगों को बताना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि आप इन लोगों से बखूबी वाकिफ़ हैं। खैर, हमारा सफ़र करीब था और हम आपस में जबलियाँ मारते हुए तकरीबन अपने रास्ते की तरफ पहुँच चुके थे। ये देखें, ये रुकावटें इसलिए बनाई गई हैं कि पहले आप बताओ कि मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ, हालांकि इसको लगाने का कोई तुक नहीं बनता। और पहले आईडी कार्ड चेक कर लें, इसलिए लगाई हैं कि कोई बंदे क्या लगता है मेरी एफएक्स सारे तोड़ के जा सकते हैं। पहले तो वो किए हैं आईडी कार्ड चेक, हम सब के वापस कर दिए, लेकिन इनका जो आईडी कार्ड है उन्होंने रख लिया है। मेरा रख लिया है, ड्राइवर का, सॉरी ओनर का। मशकूक बंदे लग रहा है, मशकूक लग रहा है। जब मैं छोटा होता था ना, मैंने अच्छा बता भी नहीं रहा मुझे ना, सिर्फ मुस्कान। तो जी हाँ, कराची की सड़कों में खड्डा कभी भी आ सकता है, तो इससे बच बचा के हम तकरीबन अपनी मंजिल की तरफ पहुंच चुके थे। तो गाइस फाइनली हमारी F17 ने पहुंचा दिया हमें जहाँ पे हमने आना था। क्या नाम है? ओमनी कार्ड। ओमनी कार्ड उमेश के नाम पे रखा है। ओमी कार्ड, ओमी कार्ड, ओमी कार्ड। मैंने ये इनके लिए बुक करवाया, पूरा करवाया था, अपने नाम पे रखवाया था। मेरा निकनेम ओमी, जिस तरीके से तो ओमनी एन लगा दिया, थोड़ा ज्यादा सिमिलर है। हम लोग का मानना है कि डिप्रेशन जो होता है ना, वो बहुत बुरी बीमारी है, तो हम लोग चाहते हैं डिप्रेशन खत्म कर लेने हैं। हम लोग घूमते फिरते रहते हैं, कभी हम कनाडा चले जाते हैं, कभी हम यहाँ पे यार गाड़ियाँ चलाने को मिलेंगी, हम ड्राइवर फॉर्मूला जुला कार, वो फॉर्मूला है, बन गया है, बना लिया फॉर्मूला, बन अभी फॉर्मूला बनाया आप लोगों ने, अभी एक्सपेरिमेंट किया है गाड़ी क्या, बस फेंकना बाकी। हाँ फॉर्मूला है, लेकिन जो है उसमें कितने बंदे बैठते हैं यार? 3,000 में एक ही बंदे को बिठाते हैं, ये बहुत महंगा है। हम अंदर जा रहे हैं, पेट्रोल भी चलती है। क्या चीजें हैं यहाँ पे, सब पता लगेगा। अभी अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके आपको भी विजिट करवा दें इंशाल्लाह। तस्वीरें लाए हो? कहाँ पे? अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहे हो? नहीं यार, मैं तो बस फॉर्म फिल करने लगा हूँ, बस यही देख रहा हूँ। हमेशा मैंने वकास की चिटिंग की, आज ये जो जो लिखेगा मैं वही लिख दूंगा। तो एंटर होते साथ ही आपको एक एंट्री फॉर्म फिल करना होता है और उसके बाद आपको ब्रीफिंग कॉल की तरफ भेज दिया जाता है। अरे भाई, हमने अभी साइन वाइन किए हैं और यहाँ पे हमें ब्रीफिंग दी जाएगी, फिर ट्रेनिंग देंगे, फिर हम आपको रेसिंग करते हुए दिखेंगे, ठीक है? पहले ये ट्रेनिंग देंगे हमें। तो ये है ब्रीफिंग हॉल, जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि आपने गाड़ी को किस तरह ड्राइव करना है और किस तरह से एक्सीडेंट से बचाना है अपने आप को भी और गाड़ी को भी, और इन केस एक्सीडेंट होने की सूरत में आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो खैर, ये इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद हम चले थे लॉकर रूम की तरफ।
अच्छा भाई हमने इसमें सामान डाला था और ये वकास ने लॉकर चेंज किया अभी उस लॉकर से इस लॉकर पे चेंज किया ये बंद नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे पास दो ज्यादा पैसे तो हमारे वकास को लूजिंग पसंद थी नहीं करो ये क्या बच्चों वाले काम कर रहे हो तुम तो हम बड़े कब तो लॉकर रूम से गुजरने के बाद हमें पहुंचना था ये हेलमेट वाले भाई की तरफ जहां पे इन्होंने हमें टोपी पहना के हेलमेट पहनाना था। तो बारी बारी सबका नंबर था, तो सबसे पहले वकास का नंबर और वकास की कुछ अदाएं यहां पे आपको देखने को मिलेंगी। तो इस अदाओं पे पूरा कराची कुर्बान। खैर टोपी पहनाने का नंबर आया मेरा, उसके बाद मेरे छोटे भाई का, और हम सब ने अपने अपने ग्लव्स पहने और हेलमेट की शुरुआत हुई जिसमें सब ऑलमोस्ट हेलमेट्स पहन चुके थे। इसके बाद खुर्रम ने हेलमेट पहना। इसके बाद बारी आई हेलमेट पहनने की मेरी, और मुझे लगा था कि मेरा सर बड़ा है हेलमेट फिक्स नहीं आएगा, लेकिन हेलमेट फिक्स आ गया था। खैर इसके बाद हमने अपने ग्लासेस और ये ग्लव्स वगैरह सेट किए और चल पड़े थे रेसिंग करने के लिए। तो जी हाँ, ये गाड़ियाँ थी जिसमें हम सब ने मिल कर रेसिंग करनी थी और काफ़ी लोग यहाँ पे लाइन लगा के बैठे हुए थे, और जिसमें आपकी बारी के ऊपर ही आपका नंबर आता है तभी आप ये गाड़ी चला सकते हैं। तो इस गाड़ी की पावर इतनी ज़्यादा थी कि इसको एक हाथ से हैंडल करना नामुमकिन सा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए जितना रिकॉर्ड कर सकता था मैंने रिकॉर्ड किया। तकरीबन एक घंटे की रेसिंग करने के बाद हम सब अपनी वापसी की तरफ थे, और सच कहूँ तो एक घंटा कैसे गुजरा हमें किसी को भी पता नहीं लगा, और वापसी आते हुए यही सोचे थे कि थोड़ी देर हम मज़ीद इसको ड्राइव कर सकें। तो खैर हमने वापसी की बारी बारी सब अपनी गाड़ी लेके वापस आ चुके थे, जिसमें से मेरे मामू, पीछे मेरा भाई आप देख सकते हैं, मैं और पीछे वकास और खुर्रम भी, तकरीबन हम सब वापस आ चुके थे। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा यार, तो मैंने डॉज किया था ना, लेकिन मैं इधर घूम गया हूँ, मैं निकल जाएंगे। अरे मैं चकरा गया, मैंने बोला हुआ क्या है? We did it guys, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया guys, 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 मेरे ने मार किसकी? अबे दो बार पीछे से ठोका पटा गया तू आगे। तो ये था स्क्रीन पे हमारा लाइव रिकॉर्ड, और इसके बाद हम निकल पड़े थे खाना खाने के लिए बोर्ड बेसिन की तरफ। थोड़ी देर बाद हम पहुंच चुके थे बोर्ड बेसिन पे, और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स की कसीर तादाद मौजूद है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे आके कि हम किसका खाना ट्राई करें, और यहाँ पे आप सबका हाथ पकड़ पकड़ के अपने रेस्टोरेंट्स में इनवाइट करेंगे कि हमारा खाना ट्राई करें। खैर हमें खान्स बारबेक्यू एंड ग्रिल के ऑनर ने हाथ पकड़ के कहा कि अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो आप पैसे नहीं देना। तो खैर हम इस बात को एग्री करते हुए, इतना कॉन्फिडेंस देखते हुए, हम बैठ गए खान्स बारबेक्यू एंड ग्रिल पे, और यहाँ पे हमने कुछ आपस में मशवरा करके खाना
ऑर्डर कर दिया, जिसमें मटन कढ़ाई और कुछ कीमा और चपली कबाब और कुछ कबाब कढ़ाई, कुछ जो कि 4-5 बंदों के लिए बहुत काफ़ी होती है। और इसका खाने का टेस्ट बस सूसो था, लेकिन भूख इतनी लग रही थी कि खाना खा के बहुत मज़ा आया। उसके बाद खाना खा के उठने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन हिम्मत करनी थी और वापस घर की तरफ जाना था। भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन हमारा इख्तिताम को पहुँचता है और बहुत ही यादगार दिन गुजरा हम सब का, बहुत ही मज़ा आया, इंजॉय किया। तो वक्त आता है इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। व्लॉग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, मेरे भाई की वीडियो के साथ सेक्स कर लें। इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद करते हैं कि आपको भी मजा आया होगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। आगे से भी